ये पनीर हानी रेडी हो गए। ये देखें, ये है गार्लिक और पूरी पराठा, चीज़ कढ़ाई रेडी हो चुकी है। चीज़ सबसे एंड में डालोगे ना इसमें भी। राइस प्लेटर भी रेडी कर रहे हैं, ये यखनी पुलाव प्लेटर 5 लोगों के लिए जो है ये रेडी हो चुका है, यखनी के राइस में जो है तैयार करदा। ये रेडी, ये रेडी हो गई। पनीर रेशमी हांडी है, रेशमी हांडी है। क्या ये तुर्किश कबाब है, बारबेक्यू प्लेटर बना हुआ है, बिल्कुल बारबेक्यू प्लेटर। अस्सलाम वालेकुम, आज हम जिस जगह पे आए हुए हैं वो है रेड कूल बारबेक्यू एंड फास्ट फूड पे। इनके पास जो है हांडियाँ हैं और प्लेटर है, बारबेक्यू है। जो हम इनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी हांडियाँ और कौन कौन सी इनके पास रेसिपीज़ अवेलेबल हैं, इनकी लोकेशन पूछते हैं और टाइमिंग पूछते हैं और आपको जो है इसके बारे में हम बताते हैं। तो आइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आ जाएं मेरे साथ। रेड कूल स्पेशल है भाई ये क्या आपकी अपनी रेसिपी है? ये आपकी अपनी रेसिपी है। ये देखें जी, फ्राई की और उसके बाद जो है चिकन क्यूब, ये चिकन क्यूब। और मसाले हम आपको जो है नहीं दिखाएंगे, बाकी ये है कि जितना प्रोसीजर है हम आपको बताते हैं कि ये किस तरीके की बनाते हैं। यानी कि इसमें कोई ख़ास मसाले होते हैं क्या? जी सर, इसमें खास मसाले होते हैं, ये हमारी क्रीमी रेड कूल स्पेशल कढ़ाई है। अच्छा, ठीक है, ये अभी लॉन्च हुई है, आपने देखा होगा इसमें अब्दुल्ला अली लील ने। हाँ, ये अभी लॉन्च की आपने? जी अभी लॉन्च हुई है। अच्छा, तो लोगों की है यानी कि पसंद आया आप लोगों की अपनी रेसिपी है ये, क्योंकि लोग जो है वही पुरानी जो है कढ़ाई चिकन कढ़ाई वगैरह ये खा रहे हैं, मगर नई रेसिपी आपकी जो है अपनी है ज़ाती, तो ये अपने मसालों से जो है तैयार करता घर के जैसे, तो पसंद कर रहे हैं लोग? जी सर, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। ये फुल क्रीम और जो है ना फुल चीज़ में बनती है। अच्छा, फुल चीज़ और फुल क्रीम में बनती है। अच्छा, चीज़ में तो मैंने नहीं देखा कभी ये बनते हुए, कढ़ाई जो है चीज़ क्रीम में तो सही है बनती है। अच्छा जी, ये देखें जी शिमला मिर्च, और ये जो है ये इनकी अपनी कढ़ाई यानी कि जो है इनकी रेसिपी जो है ये इनकी अपनी है, जो कि ये रेड कूल वालों की जो है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये किस तरीके से बना रहे हैं, चीज़ और क्रीम में जो है ये बनाएंगे। इन्होंने जो है प्याज फ्राई की और चिकन क्यूब, कैप्सिकम। यार इसमें ये कढ़ाई में आपने सारी की सारी चीज़ें जितने भी हैं, मतलब नॉर्मल कढ़ाइयों से तो हट गई ये सारी चीज़ें, कढ़ाई में आपने सारी की सारी चीज़ें जितने भी हैं, मतलब नॉर्मल कढ़ाइयों से तो हट गई ये सारी चीज़ें। हाँ, इसी वजह से ये अलग है सब। ये देखें जी, चिकन है, ये चिकन बॉयल हुई भी जो है इन्होंने जो है कढ़ाई में जो है चिकन कढ़ाई। अच्छा, ये क्या बीफ वगैरह में भी बना सकती हैं या सिर्फ खाली चिकन में ही बनती है आपकी ये रेसिपी जो है? अगर किसी की डिमांड आ जाए मटन या इसमें बना के दें तो बना लेंगे, इसमें सेम वही होगा, सिर्फ मीट का फ़र्क होगा बस। क्रीम, ये चीज़ जो है सबसे एंड में डाली जाती होगी आप लोगों के यहाँ? ये कौन सी, वो फ्रूट चाट वाली क्रीम है? क्रीम में बनी हुई और चीज़ में। कितनी देर में रेडी हो गई थी? 5 मिनट रेडी हो गई। वाह, क्विक सर्विस यार। कितना टाइम हो गया आप लोगों को इस रेसिपी को बनाते हुए? ये है जी रेस्टोरेंट इनका जो है रेड कूल वालों की जो है। आपको अभी मैंने दिखाई किस तरीके से इन्होंने कढ़ाई बनाई चीज़ और क्रीम की। देखें जी, चीज़ बिल्कुल एंड में डाली जाती है ताकि मेल्ट ना हो ज़्यादा और खाने वाले को जो है सही मज़ा भी दे, सही टेस्ट आएगा इसका एंड में, बिल्कुल मेल्ट ना हो, इस वजह से जो है ये बिल्कुल एंड में डाली जाती है और हल्के से जो है फ्लेम उसको जो है बढ़ा के जो है बस। ये जी, ये रेडी, ये रेडी हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जनाब। सर, अब आप मुझे इस कढ़ाई के बारे में जैसे अभी आप बता रहे हैं कि ये जो है आपकी अपनी? जी हाँ, ये हमारी अपनी रेसिपी है रेड कूल वालों की,
और ये आज की महंगाई को देखते हुए उसको मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई है। बहुत इकोनॉमिकल है ये, बहुत मुनासिब। दो बंदों की आपने बनाई है? जी हाँ, ये 600 रुपये की है। 600 रुपये? जी हाँ, ये 600 रुपये की है। अच्छा। और बड़ी मज़ेदार है, यूनिक सी आइटम है ये बिल्कुल। कराची में एक दो जगह ही मिलता है ये। अच्छा, एक दो जगह ही मिलेगा ये आपको। सही है। तो और भी ब्रांच है आपकी? नहीं, हमारी नहीं, मतलब बनाते हैं लोग। जी हाँ, बनाते हैं। अच्छा, तो ये कितना टाइम हो गया आपको बनाते? ये तकरीबन 15 दिन हो गए, 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन हो गए आपको ये बनाते हुए। तो इसका लोग कैसा पसंद आ रही है? माशाल्लाह, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है इसका। और सैटरडे संडे तो बहुत ही ज़्यादा होता है। अच्छा, ये हॉलीडे वाले दिन। 600 रुपीज़ की इतनी, यानी कि कितने लोग खा लेते हैं इसको? ये दो आदमी आराम से खा लेंगे। दो लोग आराम से खा लेते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से मेन्यू में आपके पास जो है चीज़ अवेलेबल? पनीर रेशमी हांडी है, प्लेटर्स हैं, बारबेक्यू है, कढ़ाइयाँ हैं। मेन आइटम हमारी चीज़ कढ़ाई है। अच्छा। अल्लाह, पनीर रेशमी हांडी है, बहुत सारे आइटम हैं। बहुत सारे आइटम हैं। हांडी कौन सी आपके पास? पनीर रेशमी हांडी है, रेशमी हांडी है। क्या रेट क्या है इसके? रेट उसके हैं 2300 रुपये की फुल है। अच्छा। और 1500 रुपये की हाफ है। ये तुर्किश कबाब है? ये तुर्किश कबाब है, ये चिकन बोटी है, ये मलाई बोटी है। ओहो, तो अभी किस के लिए तैयारी कर रही है? ऑर्डर जा रहा है हमारा। अच्छा, ऑर्डर जा रहा है। तो सिर्फ खाली ये ऐसी खाने का है ये, या प्लेटर वगैरह के लिए? नहीं, ये प्लेटर नहीं है। प्लेटर नहीं है, ये ऐसी खाने के नहीं है। तो ये तुर्किश कबाब में जो है ऐसी क्या रेसिपीज़ होती हैं जो तुर्किश? ये है ना, इसमें चीज़ है, भारी प्याज है। अच्छा। और दूसरे मसाले हैं, चिकन में होता ही है। अच्छा। जी, रेड कोल वाले, ये इनका रेस्टोरेंट है और ये इनका किचन है। इनकी हमने एक रेसिपी आपको दिखाई कि ये किस तरीके से इन्होंने जो है चीज़ और क्रीम में जो है एक इनकी रेसिपी हमने दिखाई, वो बहुत ही मज़ेदार है, जो लोग यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं। ये तुर्किश कबाब पे जो है क्रीम लगाई जा रही है, ये देखें जी, माशाल्लाह से। सर, कितने की एक प्लेट? 650 रुपये की। और ये मलाई बोटी की? ये भी 650 रुपये की है। ये 550 रुपये। ये देखें जी, एक ऑर्डर आया हुआ है और ये ऑर्डर पर जो है ये इन्होंने जो है इनकी रेसिपी देखें किस तरीके से जो है ये बनाते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की भाई, ये देखें कैसे बारबेक्यू प्लेटर बना हुआ है, बिल्कुल बारबेक्यू प्लेटर। ये शुक्रिया। ये देखें जी, सर्व करने के लिए लेके जा रहे हैं ऑर्डर। पराठे बन रहे हैं, क्रिस्पी पराठे। ये पराठे बना रहे हैं भाई, ये देख लें क्या ज़बरदस्त। कौन से पराठे कहलाते हैं यार? ये पूरी पराठा। पूरी पराठा? ये पूरी पराठा है भाई, कितना बड़ा पराठा है यार, छोटे नहीं होते कुछ। ये बड़े पराठे बनाए हुए, बड़े बड़े पराठे बन रहे हैं, क्रिस्पी पूरी पराठे। ये किसके रोल वगैरह बारबेक्यू के साथ खाने के लिए? ये तो भाई ज़बरदस्त देखें। चिकन जो है फ्राई करेंगे ये जो है ऑयल में, मोज़रेला चीज़ कढ़ाई। अच्छा जी, ये देखने कढ़ाई बना रहे हैं और इन्होंने जो है सबसे पहले जो है ये फ्राई करेंगे इसके अंदर, चीज़ कढ़ाई बना रहे हैं। ये भी क्या आप लोगों की अपनी है क्या? ये रेसिपी आपकी अपनी है? कितनी देर में रेडी हो जाएगी? 10 मिनट में भाई, ये देखें 10 मिनट में रेडी हो जाएगी ये। इसमें पूरी ये फ्राई की जाएगी पहले, ये देखें जी, सारी फ्राई करने के बाद इसमें आप मसाले डाले आएंगे, अदरक लहसुन मिर्चे, हरी मिर्चे भाई, ये अदरक लहसुन। ये कितने लोगों के लिए बना रहे हो? आराम से 3 बंदे खा लेंगे। 3 बंदे खा लेंगे ये लहसुन अदरक। और ये टमाटो पेस्ट, टमाटो पेस्ट, पानी। ये क्या हांडी कहलाती है? नहीं, चीज़ कढ़ाई है। चीज़ कढ़ाई है ये चीज़ कढ़ाई कहलाती है भाई। ये रेड कोल वालों की जो है ये भी अपनी रेसिपी है आप लोग? जी। चीज़ कढ़ाई रेडी हो रही है अभी, ये रेसिपी हमने आपको दिखाई किस तरीके से इन्होंने जो है रेडी कर रहे हैं ये।
चीज़ कढ़ाई रेडी हो चुकी है। हाँ क्या मोज़रेला चीज़ कढ़ाई? चीज़ सबसे एंड में डालोगे ना इसमें भी? मोज़रेला चीज़ जो है सबसे एंड में डालोगे ना। भाई ये रेडी हो चुकी है क्रीम कढ़ाई चीज़, सिर्फ अभी मोज़रेला डालेगा बस। राइस प्लेटर भी रेडी कर रहे हैं। ये यखनी पुलाव, ये यखनी में बने हुए जो है चावल, सर ये सेला है या बासमती चावल? सेला चावल में भाई प्लेटर है, स्पेशल चावल है ये और यखनी में बनाए हुए। तो ये बीफ की यखनी होती है ये किसकी? बीफ यखनी में जो है इनका जो है ये आपके जो है राइस रेडी किए जाते हैं प्लेटर के लिए। बिग प्लेटर से कितने लोगों के लिए ये प्लेटर हो जाता है? चार से पाँच लोगों के लिए जो है। और इसमें कितने आइटम आएंगे? आएंगे जनाब दो टिक्के आएंगे, अच्छा एक ड्रम, चार ड्रम स्टिक आएंगे, चार कबाब आएंगे, एक मलाई बूटी आएगी। तकरीबन पांच आदमी की सर्विंग है ये। पांच लोगों के लिए जो है ये प्लेटर बना रहे हैं। और कौन कौन से कबाब हैं ये? इश्मी कबाब, टिक्का, टोटल पांच आइटम हैं ये। रेडी, ये देखें जी प्लेटर रेडी हो गया। सलाद, खीरा, टमाटर, इसके ऊपर थोड़ा सा गोभी, उसके बाद इस पर लगाई जाएगी क्रीम सर, ताकि लोग बहुत पसंद करते हैं, डिमांड है इसकी बहुत, लुक भी अच्छा आ जाता है। हाँ इस पर ज़रा ये इस पर आ गई क्रीम। ये सर 3,000 रुपये का है हमारा पांच लोगों के लिए। रेडी, ये देखें जी प्लेटर पांच लोगों के लिए जो है ये रेडी हो चुका है यखनी के राइस में जो है तैयार करदा। 3,000 का भाई ये प्लेटर है आपका। गार्लिक नान लगाए जा रहे हैं भाई, ये देखें ये भाई लगा रहे हैं गार्लिक नान। इसमें क्या? अदरक लहसुन। और ये ग्रीन क्या है? धनिया। ये ग्रीन धनिया और अदरक लहसुन गार्लिक नान भाई ये लगा रहे हैं ये हांडियों के साथ जो है खाने के लिए, कढ़ाई के साथ। देख रहे हैं आप गार्लिक नान, अदरक लहसुन और धनिया। पुदीना भी है? पुदीना नहीं है। हाँ 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 क्या बात है भाई। ये देखें जी गार्लिक नान कैसे रेडी कर रहे हैं। देखें जी हांडी रेडी हो चुकी है। ये कितने लोग खा लेंगे? दो आराम, दो से तीन लोग आराम से जो भाई ये खा लेंगे। पनीर हांडी, क्रीम, चीज़, ये भी जो है रेड कोल वालों की जो है इनकी अपनी रेसिपी है। ये क्या चीज़ है? पनीर, पनीर है ये। अच्छा ये पनीर डाली जाएगी सबसे आखिर में जो है, आखिर में डाली जाएगी ताकि ये पहले ने वाले से आपको जायका मिलना शुरू हो जाए। क्या बात है भाई। ये देखें पनीर सबसे लास्ट में डाली जाती है ताकि जो है आपको खाने में जो है चीज़ और पनीर हर बाइट में जो है आए। ये बहुत ही ख़ास पनीर चीज़ हांडी है रेड कूल वालों की जो है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्रीम भी है साथ। ये पनीर हांडी रेडी हो गई। ये देखें ये है गार्लिक और पूरी पराठा, पूरी पराठे के साथ जो है ये नोच फरमाई जाएगी भाई। ये देखें जी मुझे थोड़ा सा जो है इसके लोकेशन थोड़ी गाइड कीजिएगा अपने रेस्टोरेंट की जो है। अगर आप नीपा से आएंगे तो यूनिवर्सिटी रोड पे जैसे आप आएंगे इब्न सीना अस्पताल आएगा रोड उल्टे हाथ पे, तो बस जैसे वो क्रॉस करेंगे लेफ्ट पे जो डिस्को बेकरी को रोड जा रहा है, बस जैसे इंटर होंगे और बिल्कुल आगा फिलोरा जूस के बिल्कुल बराबर में। और अगर मस्कन की तरफ से आएंगे
तो डिस्को से राइट पे ले लीजिएगा, जहाँ यूनिवर्सिटी रोड पे टच होगा ये रोड, बिल्कुल राइट हैंड पे टाइम स्क्वायर बिल्डिंग के नीचे, गुलशन इकबाल ब्लॉक 6। और टाइमिंग हमारे 7 से रात 2 बजे तक। ऑनलाइन का है सेटअप? ऑनलाइन ऑनलाइन डिलीवरी भी है हमारी। अच्छा। बिल्कुल है, उसके लिए आप हमारा वेबसाइट चेक कर लीजिए रेड बुल। के साथ ही जो है मुझे इजाज़त दीजिए, आज हमने आपको जो है काफ़ी हांडियाँ भी दिखाएं, प्लेटर भी दिखाए रेड कोल वालों के, जो है ये किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से जो है यहाँ काम कर रहे हैं, इनकी लोकेशन क्या है, टाइमिंग वगैरह हमने आपको सब बताई। तो मुझे इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे भी याद रखिए, अपने भाई को जो है सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।